नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की सबसे बड़ी और आम खबर निकल के सामने आ रही, बोर्ड परीक्षा 2022 से जुड़ी। आप सभी को बता दें, बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार की तरफ से आज एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है सभी छात्रों हित में, जिसको जानकर काफी सारे छात्र खुशी से उछल पड़ेंगे। जी हां, आप सभी को बता दें, देश में कोरोना वायरस के कहर की वजह से ये सबसे बड़े फैसला लिए गए, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो विद प्रूफ के साथ में। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, साथ ही आप इस चैनल पर न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बोर्ड का भी नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके बोर्ड से जुड़ी जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। देखिए हमारे छोटी रिपोर्ट में बहुत ही बड़ी। आप सभी को बता दें, देश में कोरोना वायरस की वजह से जो पढ़ाई बहुत ही ज्यादा बाधित हुई, उसी की पूर्ति करने के लिए सरकार ने कई सारे बड़े बदलाव कर दिए और बोर्ड को बड़े निर्देश जारी कर दिए कि इस बार छात्रों हित में कई सारे बड़े बदलाव किए जाए, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जो बोर्ड है उन्होंने बहुत ही बड़ा फैसला लिया और सभी छात्रों हित में कई सारे बदलाव किए, जिसमें सबसे पहला और बहुत ही शानदार बदलाव, जिसकी छात्रों को काफी लंबे वक्त से मांग थी, वो कर दी गई। इस बार आपका जो परीक्षा होगी उससे पहले सैंपल पेपर जारी किया जाएगा, ये सरकार ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। यानी कि सैंपल पेपर से क्या होगा कि सैंपल पेपर पहले जारी करेगी, उसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, इससे छात्रों को पता लग जाएगा कि इस बार हमारे क्वेश्चन है वो कौन से आने वाले हैं। एक बड़ा पेपर वो जारी किया जाएगा सैंपल पेपर, उसी में से आपके क्वेश्चन आने वाले, ये सरकार ने इस वक्त सबसे बड़ी घोषणा कर दी। इसके अलावा कई सारे छात्रों की ये भी मांग है कि इस बार बोर्ड की परीक्षाएं ऑनलाइन करानी चाहिए, ऑफलाइन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी कोई भी छात्र है, यदि आप भी चाहते हो कि इस बार बोर्ड की परीक्षा ऑनलाइन हो, तो आप अपने राज्य और बोर्ड का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।